स्कूली बच्चे को दिया गया चावल, उसमें मिला कीड़ा, अभिभावकों ने शिक्षकों के सामने किया हंगामा। खबर धनबाद के मध्य विद्यालय बागसुमा से है, जहां छात्रों एवं अभिभावकों ने विद्यालय के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के सामने हो हंगामा करने लगे। मामला था मध्यान्ह भोजन के एवज में छात्रों को दिए गए चावल में कीड़ा निकलने के संबंध में। एक नहीं, दो नहीं, अनेक छात्रों के चावल में यही हाल देखा गया। अभिभावक एकजुट हुए एवं शिक्षकों को घेरने लगे। मामला गर्म होता देख आसपास के कुछ सामाजिक लोग यहां जमा हुए। स्थिति को संभालते हुए प्रधानाध्यापक ने गलती मानते हुए सभी का चावल वापस किए एवं बोले, अभी सर कुछ छात्र अपने अभिभावकों के साथ आपके सामने आए हैं, उनका कहना है कि जो आपने मध्याह्न भोजन के तहत अनाज उपलब्ध कराया था वो घटिया क्वालिटी का है, उसमें कीड़ा है। आपके संज्ञान में क्या है? हाँ, वो उसको जब देखा गया तो उसमें कीड़े हैं और उस चावल को हम बंद कर दिए हैं बांटने के लिए। वो सरकार विभाग को हम इसका सूचना देंगे अगर, और उस चावल को वापिस करके उसके जगह पर नया चावल ला करके हम बांटने का अथक प्रयास करेंगे। जिस समय सर वितरित किया जाता है, क्या उस समय जांच नहीं की जाती है उसकी, किस क्वालिटी का चावल हम बच्चे को दे रहे हैं? सर ये तो विभाग से चावल हमको मिला था और वो जब उसको बांटने के क्रम में हम देखे कि उतना हमको नहीं महसूस हुआ कि इसमें कीड़े हैं, लेकिन जालू थे कुछ और कीड़ा है। अभी जब देखा गया बारीकी से तो उसमें कीड़े हैं और वो चावल बांटना नहीं था लेकिन बट गया है, तो उसको हम कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करके सरकार को इसकी सूचना देंगे। ग्रामीणों का आरोप था कि विद्यालय समिति के अध्यक्ष ने कहा था कि जो चावल हमें मिलेगा वही तो हम देंगे। बच्चे मन के सच्चे, यह कहावत आपने प्रारंभ से सुना होगा और भारत के जितने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं उनका भी कहना है कि देश के भविष्य बच्चे होते हैं, इसलिए उनका पोषण इस तरह से किया जाए ताकि आने वाले समय में देश स्वस्थ हो। वहीं बिचौलिए के माध्यम से लगातार यह समस्या आते रहता है कि वो बच्चे के भोजन को इस तरह से गायब कर देते हैं जिससे कि आने वाले समय में अपना देश स्वस्थ क्या विकलांग जरूर हो जाएगा। जी हाँ, ये पहला मामला नहीं है। अभी मैं खड़ा हूँ बागसुमा मध्य विद्यालय में, जहाँ अभिभावक और बच्चे हमारे पीछे खड़ा हैं। इन लोगों का आरोप है कि जो भी मध्यान्ह भोजन का चावल इन लोगों को दिया गया उसमें कीड़े थे। हालाँकि इसमें यहाँ के अभिभावक संघ एवं स्थानीय नेता ने भी आकर यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात किया है और मामले को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है, लेकिन समझने की बात है कि संज्ञान तो एक जगह आया, अनेक जगह होता क्या होगा इसे आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, जहां एक ओर कोरोना को लेकर विद्यालय बंद कर दिया गया है ताकि एक दूसरे से यह बीमारी ट्रांसमिट ना हो, उस स्थिति में बच्चे को विद्यालय में बुलाकर अगर हम चावल दें वो भी बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी का, तो आप समझ लें कि स्थिति क्या है। आखिर सरकार के गाइडलाइंस का पालन करेगा क्यों? सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रधानाध्यापक को प्रधानमंत्री से अधिक ऊंचा जगह मिला है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सृजन एक प्रधानाध्यापक कर सकते हैं, लेकिन यदि स्थिति ऐसी रही तो यह आशा करना बेमानी है। हालांकि प्रधानाध्यापक ने कैमरे के सामने यह कहा है कि ये भूल हुई है और चूक कहां से हुई है उसकी जांच की जाएगी। अब यह देखना है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो और दूसरे जगह ऐसा मामला ना हो, इसके लिए झारखंड सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन जहां से यह खाद्यान्न का भंडारण है, अगर वहां इस तरह का चावल दिया जाता है तो इसमें विद्यालय का क्या दोष है? आखिर जांच के दायरे में वो क्यों नहीं आए जो ऐसे घटिया चावल को विद्यालय में भेजते हैं? जांच का विषय तो अनेक है, अब देखना है कि इसका जांच कितनी गहराई से होती है ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। अभिभावक भी हमारे साथ हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। नाम बताइए आप अपना। विजय मंडल। कल क्या था पूरा मामला ही बताइए। कल हम जैसे चावल देखे बच्चे लोग को चावल, तो हम अपना घर में नहा खाएं जैसे तो देख रहे चावल, उसको ये नहीं बांटने का रद्द किया जाता है, चावल को नहीं बांटना चाहिए। तब जितने ग्राम में हम लोग को बच्चा लोग को था, बच्चे को गार्जियन लोग को बोले जो सब मिलकर चलो ये चावल नहीं देने से अच्छा रहता, अगर ये चावल खिलाएगा तो इतना बड़ा बड़ा कीड़ा तो कहाँ से कोरोना होगा? कोई कीड़े से कोरोना होता है?
है? एक सवाल आपसे भी है कि कोरोना काल में भीड़ नहीं लगना चाहिए, ये नियम है, तो जब बच्चे यहाँ बुलाए जाते हैं और इस भीड़ में जैसा मैं देख रहा हूँ बहुत कम के पास मास्क है, इसका विरोध आप लोग क्यों नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे और जाएंगे तो ये भीड़ में नहीं जाएगा? हम तो यही जानते हैं जो हम लोग लेकर आए चावल, टेम्पो में बैठा कर चावल लेकर आए तो बच्चे लोग को बोले तुम चलो, सब बच्चे लोग चावल ऐसे क्यों देखो मास्टर, तो जिस समय दिया गया उस समय का बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम कोई देखा नहीं है, बच्चे लोग लेके गया है, उसके बाद हम देखे पूरे गांव वाला बोले हाँ सब चावल में कीड़ा दिया गया है। अभी का निराकरण से आप खुश हैं? जैसा कि प्रधानाध्यापक ने भी स्वीकार किए कि गलती हो गई है, उसे रिकलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर बच्चे को नहीं दिया जाएगा, और जो अध्यक्ष ने बोला जो हम लोग को यही चावल मिलेगा तो हम लोग यही वाला खिलाएंगे, इसीलिए हम कंप्लेन इसको किया जाए। अध्यक्ष अभी क्या कह रहे हैं? अभी वही बोला है जो हमको ये सरकार जो चावल देता हम वही खिलाएंगे, तो आप क्यों देखभाल के लिए रखते हैं या बिना देखभाल के लिए? तो अभी तो कहा गया जो प्रधानाध्यापक बोले कि इसे रिटर्न कर लिया जाएगा, गलती है स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या आप उनके बात से अस्वस्थ हैं? हम तो अस्वस्थ हैं लेकिन ऐसा अंधा गलती ना हो। अध्यक्ष का क्या नाम है? मनोलम तपन मंडल। अब ये देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी, अध्यक्ष महोदय का कहना है कि जो चावल हमें उपलब्ध कराई जाती है हम वही तो वितरित करेंगे, भले ही उसमें जहर क्यों ना हो, यदि ऊपर से जहर आएगा तो हम बच्चे को जहर ही खिलाएंगे। ये तो धन्यवाद है प्रधानाध्यापक महोदय का जिन्होंने गलती स्वीकार करते हुए इनका फिर से अनाज रिकलेक्ट किए हैं और फिर से देंगे, अन्यथा ऐसे अध्यक्ष महोदय तो सरकार को ले डूबेंगे। अब देखना है कि आने वाले समय में जाँच किस ओर जाता है और इसका निराकरण क्या आता है। इसका सफाई देते हुए अध्यक्ष महोदय कह गए कि यदि बच्चे चावल लेने विद्यालय आते हैं और उन्हें कुछ परेशानी होती है जैसे कोरोना होता है तो इसके लिए जिम्मेवार अभिभावक होंगे। यह तर्क कैसे उन्होंने दिया यह बहुत बड़ा सवाल है, सुनिए उन्होंने क्या कहा उन्हीं की जुबानी। आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर आरोप है कि जब अनाज में कीड़ा निकला और अभिभावक शिकायत किए तो आप उनको बोले कि हमें जो उपलब्ध होगा हम वही देंगे, अर्थात यही चावल देंगे चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? आरोप लगाने वाले अपना आरोप लगाते हैं, वो ठीक बात है, वो लगा सकता है। सरकार चावल जो दिया है, परसों चावल बांटा पहला नंबर, कल फिर चावल बांटा, कल हम आए थे, हमको सूचना मिला कि चावल बांट रहा है तो कल हम आए थे, हमने भी देखा कि चावल में कीड़ा है, तो हमने मास्टर साहब से बात की कि सर इसमें कीड़ा है, तो बोला कुछ कुछ चावल तो बांट दिए हैं तो क्या होगा, तब बोला आगे से चावल मत बांटिए, तो आज वही हुआ कि चावल वापस आ गया। और यदि बोलता है कि यही देंगे, आज हमने तीन बार यहाँ का अध्यक्ष चुने हुए हैं, आदमी हमको अच्छा देख के चुना है कि खराब देख के नहीं चुना है, उनका आरोप है लगा सकता है उनका। आपने ये शब्द कहा था कि जो ऊपर से आएगा हम तो वही दे सकते हैं? नहीं, ये कोई उसका छोड़ के, वो लड़का को छोड़ के अगर कोई बोल दे तब तो हम मान जाएंगे भाई, हम इस्तीफा दे देंगे। अच्छा अध्यक्ष महोदय, जो बच्चे को आप बुलाते हैं यहाँ चावल लेने के लिए, कोरोना काल में विद्यालय बंद है और बच्चे अगर यहाँ आएंगे तो क्या उसे खतरा नहीं है? इसके लिए सर हम लोग क्लास वाइज बच्चे को बुलाते हैं जैसे भीड़ ना हो। क्या ये गाइडलाइंस आपको है कि बच्चे को विद्यालय में बुला कर चावल देना है? ना ये गाइडलाइन नहीं है। तो फिर इसका उल्लंघन कैसे करते हैं आप लोग? देखिए सर हम लोग, हमारा जो सचिव है उसने भी बोला था कि घर घर जाके चावल बांटना है, तो कैसे किसका घर जाएंगे, कोरोना तो उस समय भी था, हम भी जाते तो कोरोना हो सकता है, हमको भी हो सकता है उनको भी हो सकता है, अच्छा हम किस लिए जाएंगे भाई बोलिए तो। नहीं नहीं विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, आप विद्यालय के अध्यक्ष हैं, व्यवस्था बनाना आपका काम है, तो जब घर घर जाने का गाइडलाइंस आपको दिया गया है तो बच्चे को बिना मास्क बिना सामाजिक दूरी का कैसे बुला सकते हैं? नहीं वैसे नहीं बुलाए, सभी बच्चों को बोले हैं कि मास्क पहन के आना है, लेकिन आता तो कोई नहीं है। आता नहीं है तो भाई सर इसमें हम क्या कर सकते हैं, आना उनका दायित्व है, उनका माँ बाप का दायित्व है कि बच्चे को हमको कैसे भेजना है। सर एक भी संक्रमित हुआ तो जिम्मेवार कौन? इसके अगर संक्रमित हुआ तो उसका माता पिता जिम्मेवार है क्या इसकी? इसका हम लोग एगो पंपली आया है गाइडलाइन, उसमें उसका साइन भी है, अभिभावक का साइन भी है कि हम बच्चा को बगैर मास्क का स्कूल नहीं भेजेंगे। सर और आप यहाँ पे विदाउट मास्क का इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर हमारे पास रुमाल है लेकिन अभी भीड़ भाड़ में भूल गए थे। सुना आपने, बच्चे यदि मास्क नहीं लगाते हैं तो अभिभावक इसके लिए जिम्मेवार होंगे, क्योंकि ये महोदय उनसे एक कागज में हस्ताक्षर करा लिए हैं जिसमें यह लिखे हैं
कि कुछ भी परेशानी होने पर जिम्मेवारी अभिभावकों की होगी। मामले को तूल पकड़ता देख नेताजी दोनों पक्षों को समझाते हुए मामला शांत कराए एवं बोले, देखिए समस्या लोगों ने फोन किया कि चावल में कुछ कीड़े पाए गए हैं, जिसमें सभी गार्जियन बच्चे समेत यहाँ स्कूल में आए हैं। हम ही नहीं, यहाँ हमारे मुखिया प्रतिनिधि, कई दल के नेता, पंचायत समिति वगैरह सब लोग आए हुए हैं, और सब आने के बाद हम लोगों ने पाया कि कीड़ा चावल में है। और हेडमास्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि चावल नहीं बांटा जाएगा, ये गलती भूलवश बट गई है और इसको तुरंत जो है बदली करके दूसरा चावल दिया जाएगा। यदि आपसे हम एक प्रश्न करें कि आपके नज़र में ये भूल कहां से हुई, जिम्मेवार कौन है, तो कुछ कंक्लूजन? देखिए पुराना चावल होने के कारण, पुराना स्टॉक होने के कारण कीड़ा चावल में लग जाता है, और इसको देखने में जो है बारीकी से नहीं देखा, इस कारण से भूल हुई है। इसे जानबूझ के हमको नहीं लगता है कि कोई भूल किया है, ये सरकारी स्टॉक का माल है और दूर से आता है, और पुराना स्टॉक होने के कारण कीड़ा लग गया होगा, मगर इसको वितरण नहीं किया जाएगा। जब यह मामला जिला शिक्षा अधीक्षक धनबाद के पास ले जाया गया तो वो अपने कक्ष में मौजूद नहीं थे। अब देखना है कि इसमें गलती किसकी, शिक्षा विभाग की या खाद्य आपूर्ति विभाग की, परंतु जांच गहराई से होना जरूरी है।